हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हमारा किसान रोज ऐसे ही अपने हौसलों को ये बताकर खेत की तरफ रुख करता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और ऐसे ही हौसले वाले किसानों से हम आपको मिलवाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम राम राम सामे। ये वो किसान हैं जो सभी समस्याओं से लड़कर मिसाल कायम करते हैं, जो अपने दम पर अपनी पहचान कायम करते हैं। और हमारी इस मुहिम में हमारे साथी, हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नो खेती। आज ऐसी ही एक महिला किसान से हम आपको मिलवाएंगे, जिनका नाम है संतोष खेदड़, जिन्होंने जैविक खेती से अनार का उत्पादन करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यदि आप भी इनसे बात करना चाहें तो 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे अपने फलों के उत्पादन से संबंधित समस्याओं का, शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस कार्यक्रम में हर बार अलग अलग किसानों से मिलाते हैं, ऐसे किसानों से जो कि इन समस्याओं से लड़कर भी आज मुकम्मल खड़े हैं। ऐसे ही एक किसान आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवाता हूं। आज हमारे साथ हैं संतोष खेदड़। संतोष जी, हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से आपको राम राम सा। राम राम सा किसान भाइयों एवं मेरी महिला किसान बहनों से। संतोष जी, आप दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, पहले एक महिला हैं, उसके बाद आप एक किसान भी हैं। एक तरफ आप अपने घर के बच्चों का लालन पालन करती हैं, दूसरी तरफ आप खेती करती हैं जिससे पूरे देश के लिए आहार तैयार करती हैं। कैसे आकर्षित हुई आप इस तरफ, खेती की तरफ, उसके बाद में अनार की तरफ? मैं जब पहले स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरे को खेती का बहुत शौक था, तो मैं अपनी मम्मी का खेती में ही हाथ बटाया करती थी। और फिर 1990 में जब मेरी शादी हो गई जी, तो मैं ससुराल आई, तो ससुराल में भी मुझे यहाँ भी वही खेती मिली। तो हम यहाँ गेहूँ है, चना है, बाजरा है, वही बोया करते थे जी। जब मेरे पति होमगार्ड की नौकरी किया करते थे, मेरे दो लड़की और एक लड़का है, तीन बच्चे थे जी। तो उनका जो हम 5 बीघा जमीन में खेती करते, तो उसमें हमारा जो लालन पालन था वो नहीं हो पा रहा था जी। कि जैसे आज गेहूँ बोलिए, जो चारा है गाय भैंसों के लिए वो भी हमें मोल लाना पड़ता है जी, और गेहूं भी मोल लाना पड़ता है, तो 5 बीघा जमीन से गुजारा नहीं चल पाया जी। तभी मैंने ये सोचा कि भाई आज हम घर बैठे, भाई पति तो चलो होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं जी, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, और मैं घर का काम करके फिर ऐसे ही बैठी रहती हूँ, तो हम क्यों ना कोई दूसरी ऐसी स्कीम सोचें जिससे कि मैं भी घर पे खेती करके और अपना गुजारा अच्छे से चला लूं जी। तो मेरे पति जब होमगार्ड की नौकरी किया करते थे, तब एक करौली जिले में उन्होंने एक बगीचा देखा, वो पेड़ लगाएंगे, तो उस समय क्या लोग तैयार थे आपके साथ, आपके परिवार वाले? क्या किसी ने कहा नहीं कि जो खेती चल रही है वही चलने दीजिए, नए अनुभव, नए एक्सपेरिमेंट, नए काम मत कीजिए? जी नहीं, मुझे सबने यही कहा था कि आप पेड़ों के चक्कर में मत आइए जी, और आप जो ये खेती कर रहे हैं वही करते रहिए, वरना आपके बच्चों के तो ये जो अनाज के हैं वो भी लालन दाने पड़ जाएंगे। तो हमने उनकी ना सुन के जब ये पेड़ लगाए, जब हमने ड्रिप सिस्टम बिछाया, तो सबने मुझे यही कहा कि अरे ये सांप ही सांप बिछा दिए, इनसे आप क्या करोगे जी। तो हमने सुनते रहे उनकी, भाई सुनना तो सबकी है लेकिन करना तो अपने मन की है। तो मैंने अपनी वो जो हमें जुनून था, हम दोनों पति पत्नी में जो जुनून था, हमने वो नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। अगर हमने उसी दिन उनकी सुन के वो खेती छोड़ देते, तो आज हम इस मुकाम तक भी नहीं पहुंचते, और ना हम 5 बीघा में अपने जो हम खेती कर रहे हैं आज, अनार की खेती कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाते। आज जो किसान भाई हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आपने अनार लगाया है, ये सांप बिछाए हैं, तो आज वही किसान हैं जो दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं कि अरे भाई उस दिन तो ही ना हमने सांप बता सही दिया। का, आपने जिद के आगे जीत है, आपने जिद की कि मुझे पेड़ लगाने हैं, आपने पेड़ लगाए, और आज वही किसान दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। एक दर्शक हैं इस समय हमारे साथ जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम सा जी, प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अनार है वो ज्यादा फैल रहे हैं पौधे में, तो उसमें हम कटिंग इस समय कर सकते हैं? दूसरा उसके अंदर ये क्वेश्चन और है जी, कि अनार के अंदर जो दाने हैं वो छोटे होते हैं, अनार तो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन दाने उसमें छोटे हैं, उसके लिए हमें क्या करना? कहाँ से बोल रहे हैं आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से बोल रहे हैं, ठीक है। संतोष जी, मैं चाहूंगा आप इनके जवाब दें जो ये पूछना चाह रहे हैं।
जी आप उनकी जो कच्ची फुटान चल रही है आप उनको काट सकते हैं, और जो अनार की साइज है वो अंदर का दाना जो कम है उसमें क्या है कि आपकी कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसमें आपको जो राख है वो डालनी होगी, और अपने जो ज़मीन है उसमें गोबर की खाद ज़्यादा डालें जिससे कि उनकी दाने की साइज भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो अनार है वो भी मिठास भी ज़्यादा पकड़ेगा। संतोष जी, आपने कहा कि मैंने जिद की, मैंने ठान ली कि मुझे अनार के पौधे लगाने हैं, अनार के पेड़ लगाने हैं। उसके बाद आपने एक और जिद की, वो जिद थी कि मैं रसायन का प्रयोग नहीं करूंगी, मैं जैविक खेती करूंगी। तो वो भी एक तरह से आपने उस समय के हिसाब से तो रिस्क ही लिया। तो आपसे बात करूंगा, एक और दर्शक इस समय आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब जी। हेलो जी, प्रश्न पूछिए, सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज को? हाँ मैडम, मैं सिंदूरी अनार की खेती करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा कैसे किस प्रकार से होगी। संतोष जी, सिंदूरी अनार की खेती करना चाहते हैं। आपको बरसात का टाइम आएगा जब, तब अगस्त में आपको पेड़ लगाने होंगे, तो आपको ना ही पहले गड्ढा खोदना है, आप जिस समय पेड़ लाएंगे उसी टाइम जितना 1 फुट का या 1.5 फुट का गड्ढा खोद के उसमें वो पेड़ लगा के और 1.5-2 किलो खाद है वो उसी टाइम दे देनी है आपको, ना कि आपको पहले उस गड्ढे में डाल के खाद व्यस्त कर आपको खराब करनी है। जी, सिंदूरी अनार के पौधे लगा सकते हैं। ठीक है संतोष जी, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आपने अनार की खेती करने की सोची और वो भी जैविक खेती करने की सोची, तो उस समय लोगों का क्या रुख था? जब मैंने रसायन नहीं डाला तो जो आस पड़ोस के थे वो तो यूरिया डाल रहे थे, पोटाश डाल रहे थे, सब कुछ डाल रहे थे, तो मैंने कहा अरे भाई इनसे तो आपकी जो ये जमीन है आज आपको उत्पादन दे रही है वो तो कल तो आपको कुछ भी नहीं देगी जी, और ये हमारी तो जमीन माता है, ये इसको तो हम ये स्लो स्लो ये जहर दे रहे हैं जी, तो अपने को ये खिलाने के लिए क्या देगी फिर जी। हाँ। तो उन्होंने ये कहा मैडम ये आप ही करो, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम तो बाजार से ला रहे हैं और डाल रहे हैं। तो मैंने मेरे बच्चों ने क्या किया कि जो आंकड़ा है, धतूरा है, नीम के पत्ते हैं, तो धतूरा तो क्या है कि वो मिलानी जी, तो हमने नीम और आंकड़ा ला के पहले तो गड्ढा खाद बनाई और उसमें डाल दी, उसमें हमने फिर जो आड़ू के पत्ते हैं वो भी डाल दिए, क्योंकि आड़ू के पत्तों में जो अपने को कैल्शियम मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है जी, तो वो भी उस गड्ढे में डाल दिए। तो हमने 5x10 का गड्ढा बना लिया और उसके अंदर 2 फुट तक पहले नीचे नीम और आंकड़े के पत्ते डाले, उसके ऊपर हमने गोबर डाला परत टू परत उसमें भर के, फिर उसके ऊपर हमने नीम के पत्ते और आड़ू के पत्ते डाल के उसे ढक दिया, और उससे पहले अपन एक बार उस गड्ढे को 2 बार पानी से पहले भरेंगे, क्योंकि जिससे वो जो खाद है वो सूखी नहीं रहे, सारी गीली हो जाए, 2 बार भर के फिर उसको पानी से भर के और उसके ऊपर से हम ढक देंगे, जब वो ढकी रहेगी तो जो अंदर ही अंदर जो गैस है उससे वो अपनी खाद पक्के तैयार हो जाएगी, 6 महीने में तैयार हो जाएगी, और अगर जो हम बाहर खाद तैयार करेंगे उसमें जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो धूप से उड़ जाएंगे और वो खाद क्या होती है सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तत्व रहते ही नहीं जी। इसलिए गड्ढा खाद मैंने बना ली, तो वो गड्ढा खाद मैंने जब पेड़ों में दी तो मेरे पेड़ थे वो इतने अच्छे हुए, क्योंकि तो उन्होंने ये कहा भाई गड्ढे से हम खाद कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा अरे भाई अपन बाहर से डाले उसमें अपने खेती में नुकसान ही हो रहा है, दीमक आ रही है उन्हें ना, ऐसे हमें सूक्ष्म तत्व मिल रहे हैं तो गड्ढे में निकालने से हमें क्या दिक्कत है, तो मैंने वो गड्ढा खाद डाली और फिर मैंने जीवामृत बनाया जी। फिर जीवामृत बनाने के लिए क्या हुआ कि हमें देसी गाय की जरूरत पड़ी, तो मैं देसी गाय उसी टाइम मैं देसी गाय मंगवा ली मैंने, तो हमने जीवामृत बनाया जिसमें हमने 20 लीटर गौमूत्र ले लिया और 20 लीटर गौमूत्र ला के और उसमें 20 किलो ही गोबर डाल दिया जी। और जो अपना बड़ होता है या पीपल ले लो उसकी जो नीचे की मिट्टी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो उसकी भी मैंने 2 किलो वो मिट्टी डाल दी और 2 किलो उड़द का आटा डाल दिया और 2 किलो गुड़ डाल दिया, उससे मैंने 15-20 दिन तक हिलाते रहेंगे हम, तो उसके बाद वो मेरी खाद तैयार हो गई, तो वही मैंने अपने पेड़ों में 1-1 लीटर डाल दी, तो मेरे जो फल थे उनकी साइज और उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी आई, जो पड़ोस की जो रसायन डाल के कर रहे थे ना उनके से भी अच्छी आई, और एक ये है कि जो बाजार से अपन रसायन के जो फ्रूट्स लेके आते हैं बच्चों को अपने को खिलाते हैं उसमें तो रसायन आता है, अपना बेचा जो बच्चा है उसके तो पता नहीं है कि हमें अपनी मम्मी क्या खिला रही है, हमें भी नहीं पता है कि उसमें क्या है, तो
उन्होंने जब बच्चों को खिलाते हैं तो वो बीमार तो होगा ही, जैसे कई पोलियो से ग्रसित हो रहे हैं आजकल, देखो कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं जी, वो उसी रसायन की वजह से आ रहे हैं। अगर अपन जो जैविक खाते हैं तो उससे, अगर अपन शुरू से ही अगर अपन ने जैविक खा लिया होता तो आज इतने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती, कि पोलियो से ग्रसित हो रहे हैं। तो तब भी मैंने यही सोचा था कि भाई अपने जो जैविक खेती है उसमें अपने जो फ्रूट्स हैं, और जो मेरे किसान भाई थे उन्होंने गेहूँ बोए हैं, उनको भी मैंने यही राय दी। बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिन्होंने तो अब रसायन डालना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जी हाँ, जब एक नारी, एक स्त्री, एक माँ जब कोई काम करती है तो बहुत कुछ सोचती है। वो सबसे पहले सोचती है अपनी आने वाली पीढ़ी का, अपनी आज की नस्ल का, जो कि इस समय पर है, जो आगे जाके भविष्य बनेगा। और ठीक ऐसा ही कुछ संतोष खेदड़ ने किया, और यही कारण है कि संतोष खेदड़ आज एक अच्छा नाम है जैविक खेती में, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और भी कई सारी बातें हम आज इनसे करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए एवन टीवी। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम समय। जी हाँ, यदि आपको भी अपने अनार, अपने फलों से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान चाहिए तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से संवाद कर सकते हैं। संतोष जी, फिर भी मेरा एक प्रश्न अभी भी बाकी है, वो ये कि जब आप परंपरागत खेती से आगे बढ़ने की सोच रहे थे तो उस समय आपने सब्जियों की खेती क्यों नहीं की? आपके पास तो परंपरागत खेती का ही अनुभव था, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे, आप फलों की तरफ ही क्यों आए? फलों की तरफ तो इसलिए है सर कि जो अगर हम सब्जी बोते हैं जी, तो उसमें हमारे पास पानी की इतनी सुविधा नहीं थी जी। जब मैंने पेड़ लगाए तो मैंने उनमें तो ड्रिप सिस्टम लगा दिया, लेकिन तब पानी की कमी थी। तो आज अगर हम, मैं किसान भाइयों को ये कहूँ कि अगर आप बागवानी की तरफ आओ जी, तो हमें 2 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जी। इसलिए हम उसी बागवानी के अंदर बीच बीच में फलदार जो सब्जियां हैं अपनी बेल वाली जी, वो हम उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 साल तक उनके लिए फल के लिए हमें रुकना पड़ेगा जी। हाँ। तो इसलिए हमें आमदनी भी चाहिए, हमें घर खर्च के लिए भी पैसा चाहिए, तो हम उसके बीच बीच के अंदर सब्जी बो सकते हैं जी। और हमारा जो साल है वो हमारा आराम से निकल सकता है। तो जो जैविक सब्जी अपन करेंगे, अगर बाजार में रसायन की सब्जी है तो वो बच्चों को खिलाएंगे तो वो बीमारी होंगे। और हम एक बार क्या हुआ कि मैंने बाजार से सब्जी मंगवाई जी, तो वो घिया लेके आए, मैंने वो फ्रिज में रख दी, जब वो एक बिलान की थी जी, तो मैंने सुबह उठ के सब्जी के लिए वो निकाली तो वो 1-2-3 बिलान की हो गई, वो उसी के अंदर। अच्छा, पड़ी फ्रिज में रखी बढ़ गई। हाँ, फ्रिज में रखी बढ़ गई। तो मैंने ये सोचा, अरे इसमें तो एकदम जितना रसायन डालना चाहिए उससे भी ज्यादा डाल के कर रखा है। तो मैंने अब तक, मैं कभी सब्जी बाजार से मोल नहीं लेके आती हूँ, मैं अपने खेत में ही करती हूँ। जैसे मेरे रिश्तेदार हैं उनको भी यही देती हूँ, और मेरे आस पड़ोस के जो किसान भाई हैं वो भी रसायन की जो सब्जी है वो भी खाना पसंद नहीं करते। आज वो जी भी एक दर्शक है और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जी राम राम सा। राम राम सा जी, राम उतार बोल रहा हूँ फतेहपुर से। जी राम उतार जी, आभार आपका, फोन किया आपने जी। साहब मेरे पास 2-1 बीघा जमीन है जी, तो मैं उसमें बागवानी करना चाह रहा हूँ जी। तो कौन से मैं पेड़ पौधे लगाऊं जिससे मुझे अच्छे आए हो? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि अगर बागवानी की शुरुआत करें तो कौन से पेड़ों से शुरुआत करें? हाँ, मैं वही जी। संतोष जी, आप अगर बागवानी करना चाहते हैं तो मेरा विचार ये है कि अनार एक सबसे महंगा फल है जी। कि पहले आपने सुना है कि 1 अनार 100 बीमार जी। हाँ। तो आप पहले अनार की खेती शुरू कीजिएगा, तो जिससे कि आपको आमदनी भी ज्यादा मिलेगी इसमें। तो आप इसमें अनार की खेती के लिए है, और आप अगर मौसमी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। संतोष जी, आपने अभी बताया कि मैंने कभी बढ़ के नीचे से मिट्टी लेके आई, कभी धतूरा लेके आई, कभी राख लेके आई, किसने बताई आपको ये सब चीज़ें, कहाँ से सीखी आपने ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक खेती के बारे में? ये तो पहले मैं, जो मेरे बुजुर्ग दादाजी थे जी, दादी जी थी, वो पहले बात किया करती थी कि बेटा हम खेती करते थे, तो आज देखो ये सारे कैसे बाजार में कितनी सी दवाइयाँ आ रही हैं, पहले हमने तो कभी ये दवाई देखी नहीं। तो मैं कहती थी, दादाजी तो पहले आप क्या डालते थे? तो कहते थे, बेटा हम तो पहले राख इकट्ठी कर लिया करते थे, ऐसे अपनी खाद बना लिया करते थे, हम वही खाद डाला करते थे, हमें तो ये भी पता नहीं कि यूरिया क्या होती है।
जब यूरिया देखते हैं तो हमें ये लगती है जैसे दाना चीनी पड़ी हो। तो मैंने अपने दादाजी से है, और कभी जो मैंने ये पेड़ लगाए उसके बाद जो दूर दूर से भाई ये बगीचा देखने के लिए मेरे कई किसान भाई आते थे, कई जी फतेहपुर है अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र से भी आ जाते थे कभी, और दूसरे यहाँ के जो साइंटिस्ट थे कभी वो आ जाते थे। तो भाई एक दो जो ज्ञान बढ़ा, जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। संतो जी, रेत के धोरों में सुर्ख लाल रंग अनार का तो आपने बिखेर दिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आप हिमाचली सेब तक भी आ गए, वो भी आपने उगा डाले। जी सर, मैं हमारे मन में ये था कि हमारे यहाँ सेव नहीं हो सकता, जी तो अहमदाबाद जो है वहाँ से इनोवेशन की तरफ से हमें एक पेड़ दिया गया, जी तो हमने उस पेड़ को पहले तो थैली में लगा दिया, और फिर हमने वो पेड़ अपनी ज़मीन में लगाया। तो दूसरे किसानों ने ये कहा कि भाई अरे सेब अपने यहाँ नहीं हो सकता। हमने सोचा भाई क्यों नहीं हो सकता, अगर हम अनार कर सकते हैं, मौसमी कर सकते हैं, किन्नू कर सकते हैं, तो ये तो एक सेब है। जी तो उन्होंने कहा ये तो ठंडी धरती में होने वाला है, तो हमने कहा भाई चलो इसका भी इनोवेशन करते हैं। तो हमने वही किया, वही जैविक विधि से उसे वही खाद देना है, वही उस पर कीटनाशक डालना है, वही करके हमने किया। तो दूसरी साल हमारे उस पर 32 फल आए, और तीसरी साल हमारे उस पर 136 फल आ गए। तो जो उनका ऊपर का कलर था जी वो थोड़ा थोड़ा लाल हुआ, क्योंकि पेड़ ने अभी छोटा था, तो जी जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा तो ग्रोथ होती जाएगी और कलर आता जाएगा। जी तो जो दूर दूर के जो साइंटिस्ट थे वो भी सब देखने आए, यहाँ से जयपुर से भी देखने गए, तो सबने देखा कि अरे भाई आपने तो हिमाचल को भी फेल कर दिया, आपने तो राजस्थान में इतनी गर्मी में मई जून के महीने में जहाँ सेब खत्म हो जाती है वो अपने राजस्थान में आपने ला के दिखा दी। तो उन्होंने हमें बहुत ही शुक्रिया अदा कुल किया। कितने पेड़ हैं आपके सारे फलों के मिला के, किन्नू, मौसमी, अनार और सेब के मिला के? हमारे सारे 5 बीघा धरती में मैंने मिश्रित खेती कर रखी है, क्योंकि हमारे पास जमीन कम है, जी इसलिए पहले हमने 15 बाई 15 पे जब वो अनार के पेड़ लगाए तो जो बीच में जगह बची थी तो उसमें हमने मौसमी के पेड़ भी 150 मौसमी के पेड़ लगा दिए, जी और जैसे 10 सेब के लगा दिए, 5 किन्नू के लगा दिए, 10-15 नींबू के लगा दिए। और उसी में ही क्या किया हमने कि जो हमारी जो अनार है उसकी कटिंग करके जी उसी की मैंने उसमें नर्सरी तैयार की, क्योंकि हमें सालाना अनार है मौसमी है इनसे 10-12 लाख रुपए हमें उनके फ्रूट से तो हमें मिल जाते हैं। फिर उन्हीं की कटिंग तकनीकी से हमने जो अनार की पौध तैयार की उसमें हमने नर्सरी तैयार 20,000 पेड़ मैं तैयार कर लेती हूँ, तो वो अगर मैं बेचती हूँ उसे हमें 15 लाख रुपए उनसे, इसलिए मेरी सालाना 20-25 लाख रुपए मैं कमा लेती हूँ। 20 से 25 लाख रुपए आप इन पेड़ों से कमा लेते हैं, इन फलों के पौधों से कमा लेते हैं, बागवानी से कमा लेते हैं, जी और जब परंपरागत खेती कर रहे होते इस समय तो आपकी इनकम क्या होती? उस समय तो सर इनकम क्या होती, मेरे को 15-20 हज़ार रुपए का सामने से मुझे अनाज है, पशुओं के लिए चारा है, वो मुझे सामने से देना पड़ता, और मैं आज मैं कर्जदार होके जो मेरी सरकार है आज मैं उसकी कर्जदार हो जाती। जैसे मेरे किसान भाई हैं जी वो आज लोन के लिए सब्सिडी के लिए हमारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है राज्य सरकार है उन हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जी तो उसी तरह से मैं भी चक्कर काटती, और मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि मेरे किसान भाइयों आज अगर आप उनकी सब्सिडी है और जो अनुदान है उसके पीछे आप मत भागो, जी आपको तो अपना आप जो हमारा एक ये फार्मर साइंटिस्ट परिवार है हमारा जी 52 किसान हैं हम जिसमें, जी तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो मेरे किसान भाई हैं उनको आगे के आगे राह दिखाना है, आज उनकी आमदनी है उनको दोगुना करना है, ये हमारा हमारा जो साइंटिस्ट परिवार है उसका उद्देश्य है। तो ये बात आय दुगुनी करने का मतलब है कि भाई मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि जी छड़ी हाँ, घुमाऊंगी मेहनत और आपको मेरे करनी किसान पड़ेगी। भाइयों को जी हाँ उनकी दोगुनी आय हो गई, भाई मेहनत तो उन किसान भाइयों को ही करनी जी होगी। बिल्कुल आज मैं अभी बता देती हूँ कि जैसे अपनी गेहूं की फसल कटी है जी और मेरे किसान भाई हैं उन्हीं गेहूं को ले जाके मंडी में ले जाके जो है उन्हें 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, जी तो उन्हें मिल क्या रहा है, उन्हें तो 20 रुपये ही मिल रहा है, जी और हाँ उनकी पैसा उनका लगा 25 रुपये, तो वो तो 5 रुपये तो उनके सामने ही आ रहा है, जी हाँ तो मेरे किसान भाइयों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों आपको ये करना होगा कि उनकी प्रोसेसिंग आपको अपने खेत पे ही करनी होगी, जी हाँ और उस प्रोसेसिंग को करके अपना बाजार भाव है वो भी आपको खुद ही तय करना होगा,
और मेरी सरकार से मैं एक ये अनुरोध करती हूँ कि जो ये अपनी कृषि प्रौद्योगिकी के हेल है अपने पास है, जो है किसान भाई हैं, जी अगर मेरे 15-20 किसान भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, एग्रीकल्चर BSc MSc हैं, उनके लिए जो ऐसी 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 मशीनें लगाई जाएं कि भाई जो गेहूं खरीद के अपने वहीं से आटा पीस के और उसी को आज 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो वही हमें बाजार में 150 रुपये किलो मिल रहा है, जी तो हाँ, वही मेरा सर किसान क्यों नहीं कर लेता? वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा उन्हें, उसको प्रोसेस करके अगर बेचेंगे तो उन्हें और ज़्यादा मुनाफा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दर्शक हैं इस समय, आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम मैडम जी। जी, मैं अजीत सिंह रायशंकर आज कर रहा हूँ। जी अजीत सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया। जी जी प्रश्न। वेलकम। जी संतोष जी, भाई जी कह रहे हैं कि अपने पोले हाउस वास्ते सब्सिडी की आवश्यकता पड़े। मेरा जी सिर्फ एक कह रहा हूँ कि जी सब्सिडी नहीं चाहिए किसान को, जी हाँ हमें सिर्फ सुविधा चाहिए। अब मैं पोले हाउस के लिए कम से कम साल भर हो गया मेरे को भटकते हुए, तो जी अजीत सिंह जी, संतोष जी का भी यही कहना है। अर्बन मांग रहे हैं प्रॉपर्टी दो आपकी लिए, अब किसान किसान करे तो करे क्या? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और संतोष जी भी यही बात कहना चाह रही हैं कि आप सब्सिडी के चक्कर में मत पड़िए, आप मेहनत कीजिए, आप जागरूक बनिए और आप अपना काम खुद कीजिए। क्यों संतोष जी? जी मेरे किसान भाइयों, सब्सिडी के चक्कर में तो आप बैठे रह जाओगे, आपको कब से सब्सिडी मिलेगी और कब आप अपना काम शुरू करोगे? तो आप पीछे जाओगे, क्यों ना आप आगे होके और अपनी प्रोसेसिंग करके और अपना मार्केटिंग भाव खुद करके तय करके और अपना पोली हाउस बनाओ, और ना कि सरकार के आप अधीन रहो। आप तो अपने मेहनत से करके अपन कमाएंगे, 20 सुनो की कमाई से अपन मिलेगा, वही अपने को कमाई के लिए मिलेगा। आप खुद मेहनत करके करोगे तभी मेरे को अच्छा लगेगा। संतोष जी, आप एक और दर्शक हैं इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। जी, मैं कुलदीप गौतम बोल रहा हूँ जामडोली से। जी कुलदीप जी। मेरा सवाल था एक छोटा सा, जी खाद डालने की सही विधि क्या है और कितना डालें और कैसे डालें? जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि खाद को कितना डालें, कैसे डालें। संतोष जी देखो मेरे किसान भाइयों, आपको पेड़ में खाद देनी है तो आपको पहले जो खाद की जो तना है उससे 1.5 फुट ऐसे बीच में तना है तो उसके 1.5 फुट साइड में चारों तरफ देनी होगी आपको खाद, ना कि उस तने के पास, और फिर उसकी खुदाई करके और उसका कुंडारा बना के उसमें आप ड्रिप सिस्टम चला दीजिए, एक बार पानी दे दीजिएगा जिससे कि वो खाद अपने आप बैठ जाए, और फिर उसमें ड्रिप सिस्टम से डाल दीजिएगा। जी और जितना पेड़ हो, अगर छोटा पेड़ है तो उसमें 5 किलो डाल दीजिए, जैसे साल वाइज साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप एक एक किलो खाद करके बढ़ा दीजिए जाएगा। जी बागवानी में कटिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है, कटिंग कब करें, कैसे करें, ये भी अक्सर किसान भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं अनार के बारे में, स्पेशली बताएं। जी मेरे किसान भाइयों, अनार की एक मेन कटिंग होती है जनवरी में, जी तो जनवरी में तो अपनी सारी मेन कटिंग हो जाती है, फिर मार्च में जब अपने फ्रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं और जी अप्रैल में जब अपने फल बन जाते हैं तो उनके ऊपर जो कच्ची शाखाएं आती हैं जी तो उन कच्ची शाखाओं को आप हर महीने काटते रहिएगा, क्योंकि जो शाखाएं आप काटेंगे तो उनका जो अपने को फल कन्वर्ट होती है ना, जो अपनी खाद जो कच्ची फुटान लेगी जी वो अपने को फल को मिलती रहेगी, जिससे कि अगर आपका फल 300 ग्राम का है और अगर आप हर महीने वो कच्चे फुटान काटोगे तो वो आपका फल 500-600 ग्राम तक हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी खाद है वो कच्ची फुटान ना लेके आपके फल में कन्वर्ट होती जाएगी। जी तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, जनवरी में कटिंग करके और मार्च अप्रैल में जब फल बनना शुरू हो जाए तो जो उसके ऊपर जो कच्ची फुटान आए उसे आप हर महीने काटना अवश्य होगा आपको। संतोष जी, आपने इतना सब किया, आपके अनार को लोग बाहर से देखने आते हैं, आप आपका काफ़ी पत्रिकाओं में आपकी फ़ोटो छपी है, काफ़ी जगह आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, कौन कौन से सम्मान आपको अब तक मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया जा चुका है? सर। एक किसान ऐसा होता है कि किसान को जब सम्मान मिलता है जी तो वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसकी ऐसा करता है कि मुझे और इतनी मेहनत करनी होगी कि मुझे आगे और भी सम्मान दिया जाए। जी तो जब 2013 में मेरे पति को जिला स्तरीय पुरस्कार मिला तो हम सब इतने खुश हुए कि भाई आज हमें सम्मान मिला है, जी तब से हमने रात और दिन एक कर दी कि आज ये करना है, आज हमें नए नए नवाचार करने हैं, कभी कुछ करना है। फिर 2016 में हमें एग्रोटेक मीट में सम्मानित किया गया जी और मेरे पति को 1 लाख रुपए का जैविक पुरस्कार के सम्मानित किया गया और मुझे भी सम्मान मिला। फिर हमें बीकानेर में साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया। जी मैं तो पढ़ी लिखी तो बस 10वीं क्लास तक ही हूँ, लेकिन जब हमने नए नए नवाचार किए तो हमें वहाँ 52
साइंटिस्ट फार्मर थे जिन्हें हमें वहाँ साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया, तो मैं इतनी खुश हुई कि भाई अब अपन बिना पढ़े लिखे ही खेती में ही अपन साइंटिस्ट किसान वैज्ञानिक बन गए, किसान वैज्ञानिक बन गए, तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर हमें जयपुर में सम्मानित किया गया, बीकानेर में, तो जितने सम्मान है, तो मैं चाहूँगी हर किसान की यही जिज्ञासा होती है कि उसे सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। एक और दर्शक हैं इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। हाँ जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। हाँ संतोष जी, मैं ताइवान पपीते की खेती करना चाहता हूँ। ताइवान पपीता आता है ना अपना, उसकी खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतोष जी ताइवान पपीता उगाना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं परमाराम जाखड़ बोल रहा हूँ, सेवा फगलुआ से। जी परमाराम जी को बताइए ताइवान पपीते की खेती के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। सर मैं ताइवान पपीते की खेती के लिए मैं ज़्यादा किसानों को रुझान नहीं देती, क्योंकि पपीता एक ऐसी नॉर्मल चीज़ है कि बर्फ़ गिरेगी तो आपका पपीता नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों अपनी अपनी इतनी छाया तो कर नहीं सकेंगे कि उसकी बर्फ़ रोक सकें। हाँ। इसलिए पपीता में तो देखो मुझे नुकसान ही दिखता है, आप और दूसरी खेती कर लीजिएगा। जी हाँ। राम राम साहब, में एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए एवन टीवी। जी हाँ, यदि आप भी बात करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, हमारे आज के किसान वैज्ञानिक से, तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके सीधे हमसे संवाद कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साह, सुन पाक। जी राम राम साह। हाँ राम राम जी। ये फल फट जाते हैं इस मौसम में, तो उसका क्या कारण है? अनार के फल। जी अनार के फल फट जाते हैं संतोष जी। अगर आपके अनार के फल फट रहे हैं तो उसमें आपको पानी का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा पानी देंगे तो वो फल, क्योंकि उसकी चमड़ी जो है वो कड़क हो जाती है, और ज़्यादा पानी देंगे तो उससे फल फटेगा ज़रूर, तो उसमें पानी कम से कम दें। जी हाँ, पानी की एक सबसे बड़ी जो चीज़ आपने बताई कि आपने शुरू से ड्रिप इरीगेशन को अपनाया, और क्योंकि इस तरफ पानी की कमी भी है, तो वो कितना कारगर सिद्ध हुआ आपको, क्या है पानी के बारे में बताएं थोड़ा सा। जब ये पेड़ लगे तो हमने ड्रिप सिस्टम इसलिए लगाया क्योंकि आज ये पानी का स्तर है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। जी जब मैं हमने पहले कुआं किया था तब हमारा जो पानी था अब 10 फीट नीचे चला गया। जी तो पानी को बचाने के लिए हम हर किसी चीज़ के लिए तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो हमें ड्रिप इरीगेशन तो लगाना हर एक किसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से हमारा जो पानी है वो बहुत बचत होगी। अगर कई किसान भाई ऐसे हैं कि उन्होंने पेड़ लगा लिया और उसमें खुला पानी चलने दे रहे हैं, तो उस खुले पानी से क्या है कि उस पेड़ को भी नुकसान है ना, कि वो पेड़ ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उसकी जड़ें हैं वो जो हैं वो गल जाएंगी, और जो बूंद बूंद सिंचाई करेंगे तो एक तो अपनी जो ज़मीन है वो बिल्कुल नरम रहेगी ना कि वो कड़क हो जाएगी, और जो नमी है उससे उसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, और पेड़ है वो बहुत ही अच्छा और सुंदर और ज़्यादा बहुत दिनों तक भी चलेगा। जी उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक हमारा जो ये 52 जो साइंटिस्ट हैं, किसान वैज्ञानिक हैं, उनका ये परिवार है, तो ये परिवार क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए तरीके खोज रहा है। जी और ऐसे मेरे कई किसान भाई हैं जो आज कई नए तरीके खोज रहे हैं, तो वो आज खेत में ही छुपे बैठे हैं, तो उन किसान भाइयों से मैं कहूँगी कि मेरे किसान भाइयों आज हम 52 हैं, तो आज आप भी हमसे आके जुड़िए, कल हम 52 हैं तो 52 से हम 56 होंगे, 56 से 70 होंगे, 70 से 100 से, मैं चाहती हूँ कि हमारे ऐसे ही किसान वैज्ञानिक 200 हो जाएं। जी हाँ, हर किसान निकल के आगे आए, निकल के आगे आएगा, कुछ नवाचार करे और प्रयास करे साथ में जुड़ने का। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम राम साह। राम राम सर। जी सर, मेरे को फलों के बारे में पूछना था सर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं फलों के बारे में? सर हमारे गांव में क्या पानी की प्रॉब्लम है, खारा पानी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बांदीकुई से, बीवाई बोला था सर। बांदीकुई से बोल रहे हैं। जी पूछिए। सर फल पक तो जाते हैं फिर लगते नहीं है सही तरह से। जी ये एक आम समस्या होती है संतोष जी। हाँ सर, आपके फल लगते तो हैं लेकिन वो पकते नहीं है। जी तो ये पकने की समस्या तो क्या है कि आपकी जो जो क्वालिटी आई वो नस्ल ही खराब है। जी पकना तो ये तो एक कुदरत का है
कि कई लोग क्या कहते हैं कि हमारा अनार लाल नहीं होता, तो हम उस पर किसी चीज़ का स्प्रे मारें जिससे लाल हो जाएगा, अंदर का भी लाल हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, ये किसी स्प्रे या किसी दवाई से लाल नहीं होगा, ये तो कुदरत का देना है। जो अपना जो फल है वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही लाल होगा, ना कि किसी दवाई से लाल होगा। ये तो क्या है कि आपने वो नस्ल ही खराब है। जी हाँ, जिस समय लेने जाएं उस समय कम से कम सोच के जाएं, देख कर अच्छी नर्सरी से पौध खरीदें। जी संतोष जी, आपने भी बताया कि किसान को जब सम्मान मिलता है तो वो और उत्साहित हो जाता है और आगे जाकर अपने खेत को प्रयोगशाला बना लेता है और खेत में और ज़्यादा कार्य करता है। आज आप टीवी पर बैठी हैं, दर्शकों को जवाब दे रही हैं, तरह तरह के अलग अलग शहरों से आपके लिए, गाँव से फ़ोन आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं A1 TV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ मेरे किसान भाइयों के सामने आने का मुझे मौका दिया है, और उनके जो सवाल जवाब हैं आज हम आमने सामने कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं चाहूँ कि हर किसान को यहाँ आने का मौका मिले। आज जो ये अपना जो चुनावी माहौल चल रहा है जी, कोई भी TV वाले हैं या न्यूज़ वाले हैं या पेपर वाले हैं, कोई भी किसी को समय नहीं है कुछ दिखाने के लिए जी। लेकिन हमारा जो ये आज A1 TV है, आज मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए इतना अपना जो समय वेस्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। जी नहीं, आभारी हम आपके हैं, आपके साथ में विश्वास के आभारी हैं। हम सलाम करते हैं आपको कि जिस तरीके से आप कार्य कर रही हैं, जिस तरीके से आप लोगों को बता रही हैं, अपनी मिसाल कायम की है। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैविक खाद कैसे बनाएं हम? कहाँ से बोल रही हैं आप? हम सीकर से बोल रहे हैं। सीकर से बोल रही हैं आप जी। जैविक खाद कैसे बनाएं, सबसे बढ़िया प्रश्न है इनका। आपको देखकर महिलाएं देखिए उत्साहित हो रही हैं। जी जी, मेरी महिला किसान बहनों, मैं भी आपकी तरह से एक नॉर्मल महिला किसान हूँ, ना कि कोई जो साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैंने भी खेती में काम किया। तो आपको जैविक खाद बनानी है तो आपको पहले तो एक गड्ढा खाद बना लेना कि जिसमें आपके दीमक होती है, जो अपन कच्चा गोबर होते हैं वो डालेंगे तो उससे दीमक आती है जी। तो गड्ढे में नीम और आंकड़े डाल देना, वो तो हमारे पास हैं, अपने खेत में खूब होते हैं वो डाल के, और उसमें गोबर डाल के फिर उसको पानी से भर देना, और पानी से भर के उसे ढक देना, तो वो 6 महीने में पक्के एकदम तैयार हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी आपकी। एक आप जीवामृत बनाना, जिसमें कि 20 लीटर गाय का गोमूत्र चाहिएगा, लेकिन वो देसी का होना चाहिए। कई जर्सी का यूज कर रहे हैं तो वो जर्सी का तो वो कोई काम में नहीं आ रहा जी। तो 20 लीटर गोमूत्र लेके और उसमें 20 किलो गोबर डाल देना, और उसमें 2 किलो उड़द का आटा डाल देना, 2 किलो गुड़ डाल देना, और 2 किलो जो मिट्टी होती है वो पुराने बड़ी की लेना, या कोई पीपल होगा उसके नीचे से लाना, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म तत्व सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसको एक ड्रम में डाल के अपन एक 15 दिन तक उसको हिलाते रहेंगे, तो वो 15 दिन में अपनी खाद तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद उसको, उस ड्रम को हम 200 लीटर पानी डाल के भर लेंगे जी। फिर मेरे महिला किसान बहनों, आपको एक पेड़ में डालना है तो उसमें से 1 लीटर डालते रहिए, और अगर आपको गेहूं में डालना है तो 2 एकड़ में 200 लीटर बना के आप उसमें डाल सकती हैं जी। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। हेलो जी, राम राम साहब। जी राम राम साहब जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं प्रीति जयपुर से बोल रही हूँ जी। मैं टॉप मालसा रोड पर फलों की खेती करना चाहती हूँ जी, ग्रीन हाउस की। तो आप ये बता दीजिए कि फलों की खेती सही रहेगी क्या मालसा टॉप रोड पर? अभी आप खेती कर रही हैं कुछ आपके यहाँ पे? नहीं, हम लोग अभी जो गेहूँ उगाए हमारी खेती उसके जमीन पर जी, तो अच्छी दी है फसल। गेहूं की फसल अभी कर रहे हैं, लेकिन साथ में फलों की खेती भी धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें, इन्हें समझाएं क्या कर सकते हैं ये। जी आप गेहूं की खेती कर रही हैं तो मेरा तो यही रहेगा आप फलों की खेती भी करें, क्योंकि गेहूं तो अपन आज आंधी आ गई, आज ओले पड़ गए, आज तूफान आ गया, तो उनमें आप फलों की खेती करोगे तो आपको मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। और उसके साथ ही आप किसी भी चीज़, या है नींबू है, मौसमी है, अनार है, किसी की भी खेती कर सकती हैं। इसलिए बागवानी में आना मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको बागवानी के अंदर आएँ, हर पेड़ लगाएं। और एक बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप जहाँ से भी पौध लो जी, वो गुणवत्ता वाली लेना। आप 2 रुपये की तरफ मत देखना कि ये नर्सरी है तो इसमें हमें 15 रुपये में पौध मिल रही है, वो नर्सरी है तो वो 40 रुपये में पौध दे रहा है तो वो मैं 15 रुपये वाली ले लूँ। लेकिन मैडम उसका आप आपको तो ये जरूर कैसे, किसान को कैसे पता चले कौन सी नस्ल अच्छी है, कौन सी
पौध अच्छी है? वो तो सर प्रत्येक किसान को ये देखना होगा कि भाई कहाँ बगीचा है, पहले उनको देखना होगा कि यहाँ बगीचा लगा है और वो उसी से कटिंग तैयार कर रहे हैं जी। तो अपन को वही गुणवत्ता वाली लेनी होगी। कई इतनी सारी नर्सरियाँ खुली हैं जिसके अंदर कहीं से लाला के पेड़ रख रहे हैं और वहाँ से बेच रहे हैं, और मेरे किसान भाई ऐसे हैं क्योंकि किसान को तो पता नहीं है कि हमें किस चीज़ कैसे पौध लेनी है, तो वो मेरे किसान भाई लेके बगीचा लगा रहे हैं। तो बगीचा लगाने के बाद किसान भाई उसे 2 साल तक उसका इंतजार करते हैं कि भाई हमें यह 2 साल का हो जाएगा फिर हमें फल देगा। तो जब फल आएगा तो उसमें किसान भाइयों की क्या है कि नस्ल में जो अनार है वो हरी होती है, वो लाल होती नहीं, तो उसका मार्केटिंग भाव कोई नहीं है। तो मेरा किसान भाई अगर 2-3 साल तक पेड़ पाल के और उसे काटेगा तो कितना नुकसान होता है, तो उसे मैं खुद। एक और दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम जी। मेरा नाम सुंडाराम मीणा है, मैं थानागा जी अलवर का हूँ। जी सुंडाराम जी, मैं मैडम का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ क्योंकि इनके कहने पे मैंने भी 10 बीघा में अभी प्लांटेशन किया है। जी बहुत अच्छी बात है जी। अभी उनके लुक आफ्टर के लिए मैडम का और असिस्टेंस चाहिए जी। सुंडाराम जी हैं, आपके परिचित हैं पुराने, आपने उन्हें सजेशन किया था, उसके बाद उन्होंने प्लांटेशन किया और आज ऑन एयर आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। संतोष जी धन्यवाद सर, आप आए थे तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा था, और आपने पेड़ भी लगाए हैं और आपने आपके अब पेड़ अब इस वक्त तो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपने एक बार मैंने बच्चे के व्हाट्सएप पे भी देखा था कि आपके पेड़ बहुत अच्छे हैं और इनकी मिसेज हैं वो भी बहुत ही मेहनत करती हैं पेड़ों के लिए। आप बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। राम राम साहब, एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 TV। अधिक पैदावार और उच्च गुणवत्ता के लिए चाहिए कई आधुनिक उपकरण। कल्टी चाहिए, तोई चाहिए, हैरोई चाहिए, थ्रेसर चाहिए, कंपेन चाहिए, साथे बोझ ढोने वास्ते ट्रॉली भी चाहिए। कृषि उपकरण सेवा पाने के लिए कॉल करें 1-800-120-3105 पर। सेम अच्छा तो किराए कोई फायदा है। हेलो समाधान। हेलो समाधान। तो इंतजार किस बात का, आप भी करें कॉल और पाएं समाधान। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार किसानों को मिल रहा है चुनाव का एक और मौका, अपनी पसंद का ट्रैक्टर चुनने का। किसान भाई ट्रैक्टर का चुनाव करने के लिए विजिट करें www.itoti.org या आप गूगल पर जाकर सर्च करें iToti और वोट करें अपने पसंद के ट्रैक्टर पर। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला ट्रैक्टर बनेगा ट्रैक्टर ऑफ द ईयर 2019। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय किसान पाए, हर नौजवान पाए, न्याय रोजगार लाए, न्याय मिटा दे नफरत, न्याय ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खास कार्यक्रम राम राम समय, और एक दर्शक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बात करना चाहते हैं हमारे आज की मेहमान से। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मैं दिक्कत से बात कर रहा हूँ, मेरे को सेब की खेती करनी है, तो किस तरीके से करेंगे? जैविक खेती आपको करनी है? जी सर, सेब की खेती करनी है। सेब की खेती करनी है? संतोष जी सेब की खेती करना चाहते हैं। आपको सेब की खेती करनी है तो हमारे पास जो हमने सेब तैयार किया है उसी की हमने पौध तैयार कर रखी है, तो आप बरसात के टाइम पे उनको लगा सकते हैं। जी संतोष जी एक बात बताइए मुझे, हमारा राजस्थान का जो किसान है उगाने को तो तैयार है, उगा भी सकता है, फसल का उत्पादन भी हो जाता है, परंतु सबसे बड़ी समस्या आती है उसे मार्केटिंग में, क्योंकि वो बाहर जाकर बेच नहीं पाता अपने प्रोडक्ट को, अपने दाम पे नहीं बेच पाता। तो मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब उसको बेचना सबसे बड़ी चीज़ है। आपने किस तरीके से किया और आप कैसे सलाह देंगी अपने किसानों को? मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने जो हम अपने खेत में किसान जो है उत्पादन तो कर लेता है जी, लेकिन उसे वो उत्पादन तक ही सीमित रह जाता है जी। हाँ। वो ना तो प्रोसेसिंग कर पाता है ना ही मार्केटिंग कर पाता है, तो
हमारी जो राज्य सरकार है, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि जो हमें प्रोसेसिंग यूनिट है जी, हर प्रत्येक ब्लॉक पे एक एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, जिससे कि जो मेरे युवा किसान हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वो पढ़े लिखे किसान भाई हैं, तो वो 20-20 जैसे 20 लड़के इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। कहीं पे जैसे दाल की प्रोसेसिंग यूनिट है, कहीं आटे की है, कहीं तेल निकालने की है, और कहीं जूस निकालने की है, ऐसे करके सभी जगह अगर यही प्रत्येक ब्लॉक में लगा दी जाए तो जो मेरे युवा किसान हैं वो कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, और जो अपना जो मुनाफा है वो डबल अपने आप ही कमा सकेंगे जी। और जैसे मैंने अपने खेत में जब अनार तैयार की तो मुझे ये लगा कि मैं प्रोसेसिंग करूं और अपना मार्केटिंग खुद बनाऊं जी। तो हमने, मेरे पति जब सीकर जाते थे तो वो जाया करते थे, तब जो दुकानें थी, बड़े बड़े दुकानदार थे, वो आते थे, अफसर लोग थे, तो उनके पास वो ले जाके, भाई सर आप ये अनार टेस्ट करो कैसा है, तो कभी किसी को 1 किलो ले जाके दिया, तो कभी किसी को 2 किलो ले जाके दिया। तो उन्होंने जब बाज़ार से अनार मंगवाई और जब हमारी अनार खाई तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो ये अनार बेरी से अनार आ रही है जो जैविक की है, तो बाज़ार के अनार से 2 गुना टेस्ट है इनमें। तो अब जो जो मेरे अधिकारीगण हैं या जो डॉक्टर हैं जो हमारी अनार खाते हैं, तो वो अब बाजार की ला के कभी नहीं खाते, वो तो कहते हैं कि भाई हमें यही अनार चाहिए, ना भी मिलती हो तो भी वो तो हमारे यहीं से अनार ले जाके। कहाँ जाता है आपका अनार ज्यादातर, किस हिस्से में जाता है? हमारा ज्यादातर अनार है सिक्कर है, नौलगढ़ है, झुंझुनू है, यही गांव में है हमारा, वहीं पे सारा माल बिक जाता है जी। हाँ, एक और दर्शक है इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। जी मैं शिवराज सिंह बोल रहा हूँ जी। जी शिवराज जी। जी जी मेरा गाँव यही है गोविंदगढ़ जयपुर जिले में ही जी। जी मैंने आंवले लगाए थे 99 में, वो मैंने बढ़िया चटाई किस्म के, अच्छा बगीचा है मेरा फिलहाल जी। अभी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे कौन से मैं दूसरे पेड़ लगाऊं? और जी आंवले का खेती वो कर रहे हैं, आंवले की बाग उनके पास है, अब उनको साथ में और क्या ऐड करना चाहिए? सर आपके पास आंवले की खेती है तो आंवले का तो इतना मार्केट भी नहीं है, ना भाव है, तो आप उन्हीं आंवलों को तो जैसे उनका अचार डालना है या मुरब्बा डालना है, ऐसे आप प्रोसेसिंग करके और अपना मार्केट बना लो, और उन्हीं में आपको लगाना हो जैसे मौसमी लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं आप उनमें, हर कोई चीज़ क्यों ज़्यादा छाए हैं वहाँ पे तो फल कम लगेंगे जी। अगर छाए नहीं है तो आप लगा सकते हैं, छाए में मत लगाना कभी भी क्योंकि उनमें फल नहीं आएंगे जी। क्या सोचा है संतोष जी आपने अपने भविष्य के लिए, क्या सोचा है अब आगे किस तरफ जाना है? यहाँ तक का कीर्तिमान तो आपने स्थापित कर दिया, अब आगे क्या करना चाह रही हैं? आगे मैं यही करना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको अपनी खेती की ओर ज़्यादा रुझान देना चाहिए जी, और कृषि के पढ़ाई में भी ज़्यादा कृषि में ध्यान देना चाहिए, और अपना जो खेत है उस खेती को ना छोड़ें, क्योंकि हम जैसे किसान हैं वो तो कभी तो बूढ़े तो होंगे, फिर हमारी जो खेती है उसे कौन संभालेगा जी। तो मैं हर बच्चे से ये कहूँगी कि बच्चों अगर आप पढ़ लिख के चलो ठीक है आप नौकरी की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन अगर सभी नौकरी की तरफ चले जाएंगे तो अपना जो खेत है उसे कौन जोतेगा जी। और मेरी महिला किसान बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी जो अपने चारों तरफ जो सब हैं उनको जैविक खेती की तरफ जागरूक करें जी। जो अपनी जो खेती है वो बची रहे, अपने जो पेड़ हैं या अपना खेत है, जमीन है, अपनी जमीन माता है, वो सब बची रहे। तो मैं इसके लिए सभी किसान बहनों से यही जागरूक करूंगी, सबको जागरूक करो कि जैविक खेती अपनाओ, रसायन छोड़ो, जय जवान जय किसान। अच्छा आपके जो पौध आप तैयार करती हैं वो पौध से भी आपको, आपने बताया कि अच्छी आय होती है, वो किस किस तरफ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है आपकी पौध? हमारी पौध है जैसे गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, जयपुर है, चारों तरफ हमारी ये अलवर है, चारों तरफ हमारी ये पौध जा रही है, और मेरे किसान भाई हैं उन्हें मैं खुद अपने खेत पे ही प्रशिक्षण भी मैं देती हूँ। जो मेरे पति हैं वो उन्हें सब किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते हैं। भाई किसान क्या होता है कि जब मैंने पेड़ लगाए तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि भाई हमें क्या करना है, हम इतने परेशान हुए भाई हमें इनमें क्या डालना होगा, कैसे पेड़ बड़े होंगे, लेकिन आज जो मेरे किसान भाई आज उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो दिक्कत थी वो तो सारी हमने सहन कर ली जी। तो आज सारे किसान भाई हैं वो आते हैं तो उन्हें कैसे पेड़ लगाना है, कैसे हमें उनमें खाद डालनी है, पेड़ लगाने से लेकर के हम फल तक उनको पूरी जानकारी देते हैं, जिससे मेरा किसान भाई मायूस नहीं होता है। और मैंने अपने किसान भाइयों के लिए कि भाई उनको ज़्यादा सुविधा मिले जी, इसके लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनवाई
कि भाई जिससे किसानों को अपने आप पता चल जाए कि भाई हमें कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे, रास्ते का भी अपना पता चल जाए। तो कृषिfarm.com मैंने अपनी एक वेबसाइट बनवाई है जिसमें किसान भाई आप अपने आप देख सकते हैं। कृषि फार्म शेखावाटी कृषिfarm.com ये मेरी शेखावाटी कृषिfarm.com। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और दर्शक है इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम सर। जी हाँ सर, मेरे के अनार का पेड़ है सर। जी तो उसमें फल लगता है, लग जाता है, पर वो पकता नहीं है, पहले टूट जाता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बांदीकुई से। बांदीकुई से बोल रहे हैं। आपके पास एक अनार का पेड़ है, मतलब घर में आपने लगाया हुआ है? हाँ, अनार का पेड़ लगाया हुआ है। जी हाँ संतोष जी, यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है हमारे की, खाली किसान नहीं बल्कि आम लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं। मैं चाहूंगा उन्हें आप जरूर संतुष्ट करें, किसान तो फिर भी इधर उधर से पता कर लेता है। तो आपने एक पेड़ लगा रखा है तो आप उसमें पानी कम दें। जी बस ज्यादा सुबह में पानी की आती है कि वो जो अपना फल बनता है फट जाता है, टूट के अपने आप गिर जाता है, तो आप इसमें पानी कम डालें। जी संतोष जी, आपने बताया कि आप कृषि फॉर्म शेखावटी कृषिfarm.com से आपकी वेबसाइट भी है। आपको अब तो बहुत सारे लोग आपको स्पीच देने के लिए, किसानों के फंक्शंस में आपको बताने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए बुलाते हैं। कहाँ कहाँ जाएं अब तक आप? अब जैसे हमें जब जो उदयपुर में हुआ तो मैं ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खास कार्यक्रम राम राम सामे। और एक दर्शक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बात करना चाहते हैं हमारे आज की मेहमान से। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी सर, मैं दिक्कत से बात कर रहा हूँ, मेरे को सेब की खेती करनी है, किस तरीके से करेंगे? जैविक खेती आपको करनी है? जी सर, सेब की खेती करनी है। सेब की खेती करनी है? संतोष जी, सेब की खेती करना चाहते हैं? आपको सेब की खेती करनी है तो हमारे पास जो हमने सेब तैयार किया है उसी की हमने पौध तैयार कर रखी है, तो आप बरसात के टाइम पे उनको लगा सकते हैं। जी संतोष जी, एक बात बताइए मुझे, हमारा राजस्थान का जो किसान है उगाने को तो तैयार है, उगा भी सकता है, फसल का उत्पादन भी हो जाता है, परंतु सबसे बड़ी समस्या आती है उसे मार्केटिंग में, क्योंकि वो बाहर जाकर बेच नहीं पाता अपने प्रोडक्ट को, अपने दाम पे नहीं बेच पाता। तो मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब उसको बेचना सबसे बड़ी चीज़ है। आपने किस तरीके से किया और आप कैसे सलाह देंगी अपने किसानों को? मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने जो हम अपने खेत में किसान जो है उत्पादन तो कर लेता है जी, लेकिन उसे वो उत्पादन तक ही सीमित रह जाता है जी। हाँ। वो ना तो प्रोसेसिंग कर पाता है ना ही मार्केटिंग कर पाता है। तो हमारी जो राज्य सरकार है, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगी कि जो हमें प्रोसेसिंग यूनिट है जी, हर प्रत्येक ब्लॉक पे एक एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, जिससे कि जो मेरे युवा किसान हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वो पढ़े लिखे किसान भाई हैं, तो वो 20-20 जैसे 20 लड़के इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। कहीं पे जैसे दाल की प्रोसेसिंग यूनिट है, कहीं आटे की है, कहीं तेल निकालने की है और कहीं जूस निकालने की है, ऐसे करके सभी जगह अगर यही प्रत्येक ब्लॉक में लगा दी जाए तो जो मेरे युवा किसान हैं वो कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, और जो अपना जो मुनाफा है वो डबल अपने आप ही कमा सकेंगे जी। और जैसे मैंने अपने खेत में जब अनार तैयार की तो मुझे ये लगा कि मैं प्रोसेसिंग करूं और अपना मार्केटिंग खुद बनाऊं जी। तो हमने, मेरे पति जब सीकर जाते थे तो वो जाया करते थे, तब जो दुकानें थी बड़े बड़े दुकानदार थे वो आते थे, अफसर लोग थे, तो उनके पास वो ले जाके, भाई सर आप ये अनार टेस्ट करो कैसा है, तो कभी किसी को 1 किलो ले जाके दिया तो कभी किसी को 2 किलो ले जाके दिया। तो उन्होंने जब बाज़ार से अनार मंगवाई और जब हमारी अनार खाई तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो ये अनार बेरी से अनार आ रही है जो जैविक, ये तो बाज़ार के अनार से 2 गुना टेस्ट है इनमें। तो अब जो जो मेरे अधिकारीगण हैं या जो डॉक्टर हैं जो हमारी अनार खाते हैं तो वो अब बाजार की ला के कभी नहीं खाते, वो तो कहते हैं कि भाई हमें यही अनार चाहिए, ना भी मिलती हो तो भी वो तो हमारे यहीं से अनार ले जाके। कहाँ जाता है आपका अनार ज्यादातर, किस हिस्से में जाता है? हमारा ज्यादातर अनार है सिक्कर है, नौलगढ़ है, झुंझुनू है, यही गांव में है हमारा, वहीं पे सारा माल बिक जाता है। जी हाँ, एक और दर्शक है इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। जी जी, मैं शिवराज सिंह बोल रहा हूँ। जी जी शिवराज जी। जी जी, मेरा गाँव है गोविंदगढ़ जयपुर जिले में ही। जी जी, मैंने आंवले लगाए थे 99 में, वो मैंने बढ़िया चटाई, अच्छा बगीचा है मेरा फिलहाल जी। अभी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे कौन से मैं दूसरे पेड़ लगाऊं? और जी आंवले का खेती वो कर रहे हैं, आंवले की बाग उनके पास है, अब उनको साथ में और क्या ऐड करना चाहिए? सर आपके पास आंवले की खेती है तो आंवले का तो इतना
मार्केट भी नहीं है ना भाव है, तो आप उन्हीं आंवलों को तो जैसे उनका अचार डालना है या मुरब्बा डालना है ऐसे आप प्रोसेसिंग करके और अपना मार्केट बना लो, और उन्हीं में आपको लगाना हो जैसे मौसमी लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं आप उनमें हर कोई चीज़, क्यों ज़्यादा छाया है वहाँ पे तो फल कम लगेंगे जी। अगर छाया नहीं है तो आप लगा सकते हैं, छाया में मत लगाना कभी भी क्योंकि उनमें फल नहीं आएंगे जी। क्या सोचा है संतोष जी आपने अपने भविष्य के लिए, क्या सोचा है अब आगे किस तरफ जाना है, यहाँ तक का कीर्तिमान तो आपने स्थापित कर दिया, अब आगे क्या करना चाह रही हैं? आगे मैं यही करना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको अपनी खेती की ओर ज़्यादा रुझान देना चाहिए जी, और कृषि के पढ़ाई में भी ज़्यादा कृषि में ध्यान देना चाहिए, और अपना जो खेत है उस खेती को ना छोड़ें क्योंकि हम जैसे किसान हैं वो तो कभी तो बूढ़े तो होंगे, फिर हमारी जो खेती है उसे कौन संभालेगा जी। तो मैं हर बच्चे से ये कहूँगी कि बच्चों अगर आप पढ़ लिख के चलो ठीक है आप नौकरी की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन अगर सभी नौकरी की तरफ चले जाएंगे तो अपना जो खेत है उसे कौन जोतेगा जी। और मेरी महिला किसान बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी जो अपने चारों तरफ जो सब हैं उनको जैविक खेती की तरफ जागरूक करें जी। जो अपनी जो खेती है वो बची रहे, अपने जो पेड़ हैं या अपना खेत है जमीन है अपनी जमीन माता है वो सब बची रहे, तो मैं इसके लिए सभी किसान बहनों से यही जागरूक करूँगी, सबको जागरूक करो कि जैविक खेती अपनाओ, रसायन छोड़ो, जय जवान जय किसान। अच्छा आपके जो पौध आप तैयार करती हैं वो पौध से भी आपको, आपने बताया कि अच्छी आय होती है, वो किस किस तरफ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है आपकी पौध? हमारी पौध है जैसे गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, जयपुर है, चारों तरफ हमारी ये अलवर है, चारों तरफ हमारी ये पौध जा रही है, और मेरे किसान भाई हैं उन्हें मैं खुद अपने खेत पे ही प्रशिक्षण भी मैं देती हूँ, जो मेरे पति हैं वो उन्हें सब किसान भाइयों को प्रशिक्षण देते हैं। भाई किसान क्या होता है कि जब मैंने पेड़ लगाए तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि भाई हमें क्या करना है, हम इतने परेशान हुए भाई हमें इनमें क्या डालना होगा, कैसे पेड़ बड़े होंगे, लेकिन आज जो मेरे किसान भाई आज उनको कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जो दिक्कत थी वो तो सारी हमने सहन कर ली जी। तो आज सारे किसान भाई वो आते हैं तो उन्हें कैसे पेड़ लगाना है, कैसे हमें उनमें खाद डालनी है, पेड़ लगाने से लेकर के हम फल तक उनको पूरी जानकारी देते हैं जिससे मेरा किसान भाई मायूस नहीं होता है। और मैंने अपने किसान भाइयों के लिए कि भाई उनको ज़्यादा सुविधा मिले जी, इसके लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनवाई जी, कि भाई जिससे किसानों को अपने आप पता चल जाए कि भाई हमें कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे, रास्ते का भी अपना पता चल जाए, तो krishifarm.com मैंने अपनी एक वेबसाइट बनवाई है जिसमें किसान भाई आप अपने आप देख सकते हैं। उसमें फल लग जाता है पर वो पकता नहीं है, पहले टूट जाता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बांदीकुई से। बांदीकुई से बोल रहे हैं, आपके पास एक अनार का पेड़ है, मतलब घर में आपने लगाया हुआ है? हाँ अनार का पेड़ लगाया हुआ है जी। हाँ संतोष जी यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है हमारे की, खाली किसान नहीं बल्कि आम लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं चाहूँगा उन्हें आप जरूर संतुष्ट करें, वो किसान तो फिर भी इधर उधर से पता कर लेता है। तो आपने एक पेड़ लगा रखा है तो आप उसमें पानी कम दें जी, बस ज़्यादा सुबह में पानी की आती है कि वो जो अपना फल बनता है फट जाता है, टूट के अपने आप गिर जाता है, तो आप इसमें पानी कम डालें जी। संतोष जी आपने बताया कि आप कृषि फॉर्म सेखावटी krishifarm.com से आपकी वेबसाइट भी है, आपको अब तो बहुत सारे लोग आपको स्पीच देने के लिए, किसानों के फंक्शंस में आपको बताने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए बुलाते हैं, कहाँ कहाँ जाए अब तक आप? अब जैसे हमें जब जो उदयपुर में हुआ तो मैं उदयपुर में गई जी, फिर बीकानेर में फंक्शन हुआ तो हम वहाँ गए, जयपुर में अभी 4 दिन पहले हुआ है तो हम वहाँ पर भी आए, हमारे बहुत से किसान भाई हैं दूर दूर से आए, वैज्ञानिक गण हैं, तो हम सब वहाँ बैठ के अपने हर सवाल जवाब का प्रश्न उत्तर करते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो किसान भाई है जी, वो अगर किसी से पूछे भाई कितने कहाँ से नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, कोई मशीन बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमारे जो फार्मर साइंटिस्ट हैं उनमें एक ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने जो 1 रुपया तक साइकिल चलाते थे आज वो लाखों का व्यापार कर रहे हैं,
और जो आंवले की खेती कर रहे थे आज वो प्रोसेसिंग करके करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। आप जैसे कई किसान हैं जो कि नवाचार करके आगे बढ़ चुके हैं, आप भी उनमें से एक हैं। आपके जज्बे को सलाम, आपके इस आत्मविश्वास को सलाम, आपने जो काम किया उसको सलाम, और आप हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमें जब भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे, जिससे कि आप हमारे किसान भाइयों से मुखातिब हों, उन्हें नई नई बातें बताएं। धन्यवाद उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने आज हमें फ़ोन किया, धन्यवाद उन किसान भाइयों का भी जिन्होंने फ़ोन किया परंतु उनका फ़ोन हम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सारे प्रश्न हम इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। आप इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत जल्द राम राम सा के हम 200 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं, ये सब आप लोगों के प्यार की बदौलत ही संभव हुआ है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए A1 TV।